हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग जहां भी होंगे वहां अच्छे होंगे। तारकीय ने यूट्यूब चैनल में फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है फ्रेंड। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले बिहार मैट्रिक और इंटर प्रोत्साहन योजना के बारे में। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि इस योजना में बहुत दिन पहले सभी स्टूडेंट ने ऑनलाइन आवेदन कर लिया है प्रोत्साहन राशि के लिए, लेकिन अभी तक यूजर आईडी पासवर्ड नहीं मिला था। लेकिन दोस्तों अब बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है कि आप लोगों का यूजर आईडी पासवर्ड मिलना शुरू हो गया है। हम आपको बता दें कि अभी फिलहाल कुछ ही छात्रों का यूजर आईडी पासवर्ड मिल रहा है, चाहे मैट्रिक का हो या इंटर का हो। अब किस तरह का मैसेज आ रहा है आज इस वीडियो में हम दिखाने वाले, किन किन छात्रों को यूजर आईडी पासवर्ड दिया जा रहा है और क्यों दिया जा रहा है, क्या उसमें लिखा है, तमाम बात इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप भी आवेदन किए हैं तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा, और आपके पास भी ऐसा मैसेज आया तो भी आप वीडियो को देख लेना। मैसेज में क्या कहा गया, क्या करने को बोला गया, आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों आपके डिस्प्ले पर जो दिखाई दे रहा है ऐसा मैसेज मैट्रिक वाला, अगर आपने आवेदन किया, अगर मैट्रिक 2021 में पास किए हैं तो उन लोग स्कॉलरशिप पाने के लिए आवेदन किए उनके पास ऐसा मैसेज आया। ठीक है फ्रेंड, यहाँ देख सकते हैं मैट्रिक 2021 स्कॉलरशिप, प्रिया आपका नाम लिखा होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, आपका अप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया गया है। अब क्यों किया गया अभी इसमें बताया गया, आधार का जन्मतिथि और मार्कशीट का जन्मतिथि मैच नहीं कर रहा है, यानी कि जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा आधार कार्ड पे और मार्कशीट पे अलग है, यानी कि मैच नहीं है, सेम नहीं है, अलग अलग है। इसी कारण आपका यूजर आईडी पासवर्ड दिया गया है कि आप सही कर ले। ठीक है, पर यहाँ देख सकते हैं यूजर आईडी होगा और पासवर्ड होगा के साथ लॉगिन करके आपका सपोर्ट डॉक्यूमेंट अपलोड कर दे, यानी कि अगर आपने आधार कार्ड में कुछ सही कराया तो वो सही कराते समय जो भी दिया है डॉक्यूमेंट वो अपलोड कर दे, ताकि इन लोगों को पता चले कि हाँ आपने सही कराया, अगर सही होगा तो आपका जो भी आवेदन हो एक्सपेक्ट कर लिया जाएगा, यानी कि रख लिया जाएगा। उन्हीं लोगों के पास ऐसा मैसेज आ रहा है जो कि जिनके पास डेट ऑफ बर्थ में यानी गलत पाया गया, यानी कि मार्कशीट में अलग है और आधार कार्ड में अलग है, यानी जो भी नाम हो गया है पिता का नाम, बहुत सारे लोगों का अलग अलग मैसेज आ रहा है, लेकिन जिनके पास ऐसा मैसेज आया उनका बस सेम उन्हीं को यूजर आईडी पासवर्ड दिया जा रहा है ताकि वो सही कर ले। ठीक है फ्रेंड, इंटर का भी वही मैसेज आया है, यहाँ देख सकते हैं इंटर का भी आपके सामने, जो अगर आप इंटर के स्टूडेंट अभी यहाँ देख सकते हैं इंटर 2021 स्कॉलरशिप, प्रिय आपका नाम होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, आपका अप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया गया, आधार एवं जन्मतिथि और मार्कशीट का जन्मतिथि मैच नहीं है, कृपया यूजर आईडी पासवर्ड के साथ लॉग इन कर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड कर शिक्षा विभाग बिहार सरकार। ठीक है फ्रेंड, इनका भी यही हाल है, यानी कि वैसे स्टूडेंट के पास मैसेज आ रहा है यानी यूजर आईडी पासवर्ड आ रहा है जिनका डेट ऑफ बर्थ यानी कुछ ना किसी कारणवश उनका अलग मिसमैच हो रहा है, तो उन्हीं के पास ऐसा मैसेज आ रहा है ताकि आप अपना सही कर लीजिए, उसके बाद आपका आवेदन एक्सपेक्ट कर लिया जाएगा, उसके बाद आपके खाते पर पैसा भेजने वाला है जो सभी स्टूडेंट के एक साथ मिलाकर पैसा भेज दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड, स्टूडेंट आवेदन किए होंगे उनके पास सभी लोगों के पास ऐसा यूजर आईडी पासवर्ड मिलेगा ताकि आपका नेक्स्ट स्टेप जो भी होगा आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, अगर आपके पास भी ऐसा है तो आप अपना और लॉग इन करके अपना जो भी डेट ऑफ बर्थ यानी गड़बड़ हो रहा है आप वहाँ से सही कर लेते हैं। चलिए आज का वीडियो करते हैं समाप्त। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पहली बार है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। इस वीडियो में आपके मन में किसी प्रकार का रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।